पीएम मोदी 22 अप्रैल को जोधपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी जोधपुर में राज्यसभा सांसद नारायण पंचौरिया ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 22 अप्रैल को जोधपुर में रावण के चबूतरा मैदान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंचौरिया ने संकल्प पत्र पर बात करते हुए कहा कि संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए योजनाएं रखी हैं और साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए संकल्पित हैं। के चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण योजनाएं संगठन स्तर पर भी और साथ साथ में हमारे नेताओं के टूर प्रवास सभाएं आम सभाएं उसको लेकर के भी और साथ में आप लोगों के माध्यम से जनता तक सत्य बात पहुंचाने का प्रयास और कांग्रेस के द्वारा जो झूठ प्रसार किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करने की जो योजना बनी है भाइयों, उसी के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सभा हमारे को मिली है राजस्थान के अंदर सभा में जोधपुर को 22 तारीख हमें दिए सायंकाल 4:30 बजे और रावण का चबूतरा में बहुत बड़ी विशाल आम सभा नरेंद्र भाई मोदी यहां पर लेंगे। और इस बार संकल्प के साथ और वापस पुनः कहिए कि इस देश का जब 75 वर्ष पूर्ण होने वाले स्वतंत्रता के 22 अप्रैल को उदयपुर में पीएम मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए सभा स्थल के पास में एक भूखंड पर पीएम के हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने के लिए हेलीपैड बनाना था, लेकिन हेलीपैड बनाने के लिए चिन्हित भूखंड पर किसी मामले में कोर्ट ने स्टे कर रखा है, इसलिए वहां पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर के उदयपुर जिला कलेक्टर ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाने की अनुमति मांगी थी। अधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि यह याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने जिला कलेक्टर को सशर्त अनुमति प्रदान की है। उदयपुर कलेक्टर की ओर से प्रार्थना पत्र आया कि माननीय प्रधानमंत्री की दिनांक 22/4/2019 को उदयपुर में सभा है और जिस स्थान पर प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंड करवाना चाहते हैं वहाँ पे उस जमीन के ऊपर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया है। तो हमने कोर्ट से निवेदन किया तो इस आधार पे कोर्ट ने परमिशन दी कि अगर पिटिशनर 2 दिन के लिए अगर आपको परमिट करता है तो जो स्टे दिया गया है उसका वायलेशन नहीं माना जाएगा, आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जुर्माना की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आधार पर कोर्ट ने परमिशन जारी की। पिटिशनर कौन है? फील्ड मार्शल।